यूपी के ग्रेटर नोएडा में सेमिकॉन इंडिया 2024 का आयोजन हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बतौर अतिथि यहां शामिल हुए। सेमिकॉन इंडिया का शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत दुनिया का 8वां देश है जहां ग्लोबल सेमीकंडक्टर से जुड़ा ये भव्य आयोजन हो रहा है। भारत में रहने का ये सही समय है, आप लोग सही वक्त पर सही जगह पर हैं। भारत आज दुनिया को भरोसा देता है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आज भारत का मंत्र है भारत में उत्पादित चिप्स की संख्या बढ़ाएं, इसलिए हमने सेमीकंडक्टर वन निर्माण को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे कदम उठाए। वहीं संबोधित करते हुए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, पीएम मोदी के मार्गदर्शन और दूरदर्शी नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने आईटी सेक्टर, सेमीकंडक्टर, डाटा सेंटर और इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण पर विशेष ध्यान देने और इस दिशा में कुछ नए प्रयास हो सके ये कार्य प्रारंभ किया है। सिस्टम देता है, भारत के डिजाइनर्स उनके जबरदस्त टैलेंट को तो आप भलीभांति जानते हैं। डिजाइनिंग की दुनिया में 20% टैलेंट का योगदान भारत करता है और इसका निरंतर विस्तार हो रहा है। हम 85,000 टेक्नीशियंस, इंजीनियर्स और आरएनडी एक्सपर्ट्स की सेमी कंडक्टर वर्कफोर्स तैयार कर रहे हैं। भारत का फोकस अपने स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को सेमी कंडक्टर इंडस्ट्री रेडी बनाने पर। आज भारत का मंत्र है इंक्रीजिंग द नंबर्स ऑफ चिप्स प्रोड्यूस इन इंडिया और इसलिए हमने सेमी कंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे कदम उठाए हैं। भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाने के लिए 50% सपोर्ट भारत सरकार दे रही है। हमें हमारी राज्य इसमें राज्य सरकारें भी अपने स्तर पर और मदद कर रही है। भारत की नीतियों के कारण ही बहुत कम समय में 1.5 ट्रिलियन रुपीज से ज्यादा के इन्वेस्टमेंट कदम है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ही मार्गदर्शन और उनकी विजनरी लीडरशिप में उत्तर प्रदेश ने भी इस दिशा में आईटी सेक्टर, सेमीकंडक्टर, डाटा सेंटर, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पर विशेष ध्यान देने और इस दिशा में कुछ नए प्रयास हो सके यह कार्य प्रारंभ किया। पिछले कुछ वर्षों के दौरान जो प्रयास उत्तर प्रदेश में प्रारंभ हुए आज उसका परिणाम है कि देश की मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के 55% तथा मोबाइल कंपोनेंट के 50% उत्पादन उत्तर प्रदेश में हो रहा है। उत्तर प्रदेश कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के निर्यातक के रूप में उभरा है। सैमसंग इंडिया ने अपना डिस्प्ले यूनिट प्लांट की स्थापना का निवेश भी इसी नोएडा में किया है। आज उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर के एक बड़े हब के रूप में स्थापित हुआ है। प्रदेश में सेमीकंडक्टर का अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर नीति 2024 लागू की गई है। इस नीति में पूंजीगत सहायता, ब्याज उपादान, भूमि मूल्य तथा स्टैंप व विद्युत शुल्क में भी छूट करने के अनेक आकर्षक प्रावधान किए गए हैं। सेमीकंडक्टर डिजाइन इंजीनियर्स के हब के रूप में
स्थापित हो रहा है।